हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस एम आई ए और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते रहते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी आंख बंद करके पैसा नहीं कमाया जा सकता है यदि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कुछ ए, ट्रिप्स सीखने होंगे आपको देखना होगा कि स्टॉक्स कैसे चलते हैं इसमें कैसे मूवमेंट देखने को मिलती है ये स्टॉक्स कभी भी लीनियरली नहीं चलते हैं कभी इनमें आपको बड़ा क्रैश भी देखने को मिल जाता है कभी छोटी शुट छोटी करेक्शन भी चलती रहती हैं और कभी रैली भी देखने को मिल जाती है तो इसीलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रह के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ही पिक करने चाहिए और एवरेज करके उनमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए तो आइए आज बात करते हैं एक और स्मॉल कंपनी के शेयर की दैट इज़ एन पी एस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छा ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिल चुका है सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन परसेंट की रैली देखने को मिली है और ये जो स्टॉक है जीरो पॉइंट एटी रुपीज़ पर जो है वो क्लोज हुआ है आइए जान लेते हैं इसके फंडामेंटल किस तरह के निकल कर आ रहे हैं और इस कंपनी के सारे डिटेल एक एक करके हम चेक करेंगे एंड में हम आपको निवेश की राय भी देंगे इसलिए एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें आइए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो एक दिन में इस स्टॉक में सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन परसेंट की रैली देखने को मिलेगी अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा है यदि इसका फाइव डे का डाटा देखें तो यहाँ पे फाइव पॉइंट एटी एट परसेंट की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलेगी यदि वन मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे अभी भी आपको 6.67 परसेंट की रैली ही देखने को मिलेगी इसके चार्ट में आपको कंटिन्यूअसली वॉलिडिटी ही देखने को मिलेगी लेकिन लोअर सपोर्ट लेवल से दैट इज फ्रॉम 0.75 लेवल इस स्टॉक में आप रिवर्सल देखने को मिल चुका है सिक्स मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मल्टी बैग रिटर्न अभी भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे 300 परसेंट के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे पहले इस स्टॉक में लीनियर ग्रोथ देखने को मिली थी फिर इस स्टॉक में आपको कंटिन्यूसली गिरावट भी देखने को मिली हुई है स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही है बहुत ही रेंज बाउंड काम आपको होता दिख जाएगा और यदि वन ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी नियरली थ्री के अराउंड ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे फाइव ईयर का डाटा देखें तो इस स्टॉक में 433 परसेंट के मल्टी बैग रिटर्न देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको वॉलिटी देखने को मिल रही है पहले इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट चल रही थी तो पांच साल पहले इसकी जो प्राइस थी जीरो पॉइंट थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है जीरो पॉइंट टेन देखने को मिली है ऑन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रैली शुरू हुई है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में बहुत ही बढ़िया रैली हुई है आजकल इस स्टॉक में नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कभी भी किसी स्मॉल कैप कंपनी में आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके चलें और स्टॉप लॉस के बिना कभी भी इस स्टॉक में पोजीशन मत बनाएं पाँच सालों का ओवरऑल डाटा जो है बहुत ही बढ़िया है और इस टाइप के स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें मैक्सिमम डाटा देखें तो अभी भी नाइन्टी की गिरावट ही इस स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों ये जो स्टॉक्स होते हैं ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं यदि इन कंपनी में नंबर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो इन स्टॉक में रैली देखने को मिलती है अदरवाइज इनमें गिरावट भी देखने को मिल जाती है तो दिसंबर ट्वेंटी वन का डाटा इसका बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है फोर्टीन परसेंट के अराउंड नेट इनकम में सिक्सटी सेवन परसेंट की ग्रोथ है नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो हो रहे हैं ऑपरेटिंग इनकम जरूर आपको रिड्यूस होती है यहाँ पर दिख जाएगी तो ये कंपनी नाइनटीन में शुरू हुई थी इंडिया बेस्ड कंपनी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के थ्री है एज पर टू डाटा तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड्स भी चेक कर लेते हैं देख लेते हैं कि आजकल इस स्टॉक में क्या चल रहा है और इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं इसके नंबर्स कब आ रहे हैं इसके अभी डिक्लेयर किया है या नहीं किया है तो इस कंपनी की जो नंबर्स हैं मार्च ट्वेंटी टू के वो कब डिक्लेयर होंगे ये भी एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे इतने बढ़िया नंबर्स इसके नहीं देखने को मिले हैं इसका जो फाइनेंशियल स्कोर है वो रिड्यूस होकर माइनस थ्री हो गया है फ्रॉम माइनस वन इन द लास्ट थ्री मंथ्स तो लास्ट थ्री मंथ्स में जैसे आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही चैलेंजेस थे इन्फ्लेशन भी बड़ी है तो मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आपको क्लियरली देखने को मिल सकता है इसीलिए इस कंपनी की जो मार्च 22 की परफॉर्मेंस है वो फ्लैट निकल कर आ रही है तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ और पैरामीटर जो है हम वो हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूएशन किस तरह की है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का निकल कर आ रहा है और इस कंपनी का यदि हम बिजनेस देखें ये जो कंपनी है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है और यदि इस कंपनी की सबसे बड़ी हम स्ट्रेंथ देखें तो दिस इज़ ए कैश रिच कंपनी क्योंकि इस कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो आपको कंटिन्यूसली राइज़ होता दिख जाएगा तो यदि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें थ्री हंड्रेड वन करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है प्राइस टू बुक रेशो देखें तो एक से नीचे ही है इट इज़ लेस देन वन जीरो पॉइंट सिक्सटी नाइन की है तो वैल्युएशन आर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव तो बुक वैल्यू पर शेयर की वन पॉइंट सिक्सटीन रूपीज़ की है प्राइस टू बुक रेशो इसकी एक से कम ही चल रही है पाईवुड देखें तो इसका जीरो पॉइंट सेवेंटी एट के अराउंड इसका पाईवुड चल रहा है और आप देख सकते हो इसके तीन रजिस्टेंस लेवल हैं जीरो पॉइंट एट्टी टू जीरो पॉइंट एटी थ्री जीरो पॉइंट एट्टी सेवन सिमिलरली तीन सपोर्ट देखें तो जीरो पॉइंट सेवेंटी सेवन जीरो पॉइंट सेवेंटी थ्री जीरो पॉइंट टू तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक में आपको बहुत ही रेंज माउंड काम होता जो है वो दिख जाएगा जब इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस हम आपको बता चुके हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले हैं वन जीयर में फोर परसेंट के रिटर्न हैं थ्री जीयर में फिफ्टीन परसेंट के रिटर्न हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में अब इस स्टॉक में जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इसका डिलीवरी का डाटा देखें तो अच्छा शानदार डिलीवरी की इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है फ्राइडे के दिन सेवेंटी एट परसेंट की डिलीवरी है थर्सडे सेवेंटी टू परसेंट की डिलीवरी है वन वीक का एवरेज डाटा देखें सिक्सटी नाइन परसेंट की डिलीवरी है वन मंथ का एवरेज डाटा देखें तो फिफ्टी सेवन परसेंट की डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिली है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी के डिलीवरी का डाटा कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है वन मंथ का एवरेज कंपेयर कर लो वन वीक का एवरेज कंपेयर करो थर्सडे और फ्राइडे कंटिन्यूसली इसके डिलीवरी में जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है बहुत ही अच्छी अकमुलेशन इस स्टॉक में आजकल चल रही है तो आइए इसके जो नेट लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ स्टैंड लोन मार्च ट्वेंटी टू नेट सेल्स हैज़ बिन रिपोर्टेड एज जीरो पॉइंट एटीन करोड़ और यहाँ पे नाइन नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली हुई है इन द जीरो ऑन जीरो बेसिस तो इसकी नेट सेल्स है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई है नियरली ट्वेंटी परसेंट के अराउंड ग्रोथ देखने को मिल चुकी है इसकी जो नेट सेल्स है जीरो पॉइंट एटीन करोड़ है लास्ट ईयर इसकी जो नेट सेल्स थी जीरो पॉइंट फिफ्टीन करोड़ थी तो जीरो ऑन जीरो बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हुई है यदि नेट क्वार्टरली लॉस देखें तो इस कंपनी का 1.24 करोड़ का है लास्ट ईयर में 1.32 करोड़ था तो यहाँ पे भी 5.68 परसेंट की जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली हुई है अबिटा देखें तो अबिटा भी इस कंपनी का जो है वो रिड्यूस होके के जीरो हो गया है फ्रॉम जीरो तो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे 26 परसेंट की रिडक्शन देखने को मिल रही है ओवरऑल सेल्स बढ़ रहे हैं आप देख सकते हो टोटल नेट लॉस जो है वो भी आपको कंट्रैक्ट होता दिख जाएगा आइए पहले इसकी टोटल इनकम देख लेते हैं यदि हम इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिक्वेंशियल बेसिस पे डाटा देखें दिसंबर 21 के कंपैरेटिवली मार्च 22 में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है सिमिलरली जियर ऑन जियर बेसिस पर भी इस कंपनी की इनकम में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है ये सबसे बड़ा इस कंपनी का स्ट्रॉग पॉइंट है कि इस कंपनी की इनकम कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी जियर ऑन जियर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड जरूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसका जो नेट सेल्स है वो आपको लॉस में चल रही है नेट सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लेकिन प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे जीरो ऑन जीरो बेसिस पे इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली हुई है ओवरऑल नंबर्स इसके पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं इसीलिए ही इस कंपनी में आजकल जो है वो ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म का डाटा देखें तो इसके रेवन्यू में आपको कॉन्ट्रैक्शन ही देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हो 2018 से लेके 22 तक तो इसके रेवेन्यू में नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला हुआ है लेकिन अब इसके जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं दे आर क्वाइट पॉजिटिव और शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 98 परसेंट के राउंड स्टेक है और पब्लिक के पास जो है वो आप देख सकते हो नहीं प्रमोटर के पास वन पॉइंट नाइन्टी फाइव परसेंट का स्टेक है पब्लिक के पास बहुत ही ज़्यादा मेन स्टेक है दैट इज़ 98 परसेंट का स्टेक पब्लिक के पास है अदर्स के पास एक परसेंट से भी कम स्टेक देखने को मिला हुआ है तो यहाँ पे यदि इसका हम शेयर होल्डिंग का एनालिसिस करें जो प्रमोटर्स हैं उनके ऑल प्लेजेज जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं ये सबसे बड़ा इनका पौ। प्लस पॉइंट है क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को प्लेज करके थोड़ा लोन ले लेते हैं डेप्ट ले लेते हैं ले ले है, वो भी एक कंपनी के ऊपर बर्डन होता है लेकिन अब इसके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपने सारे प्लेज शेयर जो हैं वो रिलीज करा लिए हैं ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है फ्रॉम ट्वेंटी पॉइंट थर्टी नाइन परसेंट टू वन पॉइंट नाइन्टी फाइव परसेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो है वो नियरली नील ही चल रही है और यदि इसकी फंडामेंटल देखिए प्राइस टू बुक रेशो इसकी जरूर लोएस्ट चल रही है एज कंपेयर टू अदर्स लेकिन अभी आर परसेंटेज भी नेगेटिव चल रही है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ आल्सो नेगेटिव डेव टू इक्विटी रेशो इज़ आल्सो वेरी वेरी लो तो ये कंपनी एक लो डेप्ट कंपनी है सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है दिस इज़ ए लो डेफ्ट कंपनी एंड नियरली आप कह सकते हो डेप्ट फ्री कंपनी है दूसरा इसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स ले आए हैं दे आर आल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हुई है जियर ऑन जियर बेसिस पे और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इम्प्रूव होता आपको दिख रहा है तो अब इस स्टॉक में अच्छा ट्रेंड आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेगा और इस स्टॉक में लास्ट सिक्स मंथ में भी आप देख सकते हो बड़ी तेजी देखने को मिली हुई है लेकिन वन मंथ में जरूर इस स्टॉक में वॉलिटेटी चल रही है फाइव डे में भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है तो आने वाले टाइम में जरूर ये जो स्टॉक है रैली करेगा क्योंकि अब इस स्टॉक में जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल चुके हैं तो पहला इसका जो टारगेट है वन पॉइंट ट्वेंटी से लेके आप वन पॉइंट थर्टी के अराउंड लेके इस स्टॉक में कोई पोजीशन बना सकते हो लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप इस स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें सो थैंक्स अगेन बी विल मीट यू विद द न्यू वीडियो न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा